हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त अंकित पाठक। यह है हमारी दादी। हेलो दादी। दादी, अच्छा अभी दादी करी मुंह धो के लाऊंगी, फिर बनाऊंगी व्लॉग। तो यह है प्रिया। अब मैं दिखाता हूँ आगे क्या होता है। हेलो भाई साहब। हेलो भाई साहब। अरे मम्मी के पीछे कहाँ जा रहे हो, चल दिए। अभी मैं गया था दूध लेने। हाँ क्या कह रहा, तो भास्कर बोल रहा, भास्कर की वीडियो अपलोड करनी है आज। हैं भाई, मैं गया था दूध लेने, गया था तो भास्कर ने बोला थोड़ा सा क्या आता है, तो भास्कर के साथ दूध लेने गया। किसी के पत्ते लेने गया, काला ढोंगी का बाजार, छोटा सा बाजार। आज शुक्र है क्या? आज 2 बजे बाजार बंद होना। अच्छा, तो 2 बजे से 3-4 दिन के लिए बाजार बंद है ना। हमारे वहाँ भी ये क्या 3-4 दिन वाला लॉकडाउन, तो उस वजह से आज काफ़ी भीड़ है मार्केट में। सब लोग अपने आवश्यकता का सामान आज ही ले रहे हैं। ये तो सुखर के जैसे बाजार लग रखी है। ये रोज ही आते हैं, आज ही आ रखे कपड़े वाले, रोज ही रहते हैं। ये थोड़ा सा हमारे छोटे से टाउन का लड़ूंगी की बच्चे आती है, और यहाँ चल रहा है रोड का काम। अभी तक यहाँ, जब मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आपको, तब से लेकर अभी तक यहाँ का काम पूरा नहीं हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं पांडे जलपान ग्रह। हो पांडे जी, नमस्कार। और कैसा तुम? और हाँ, बहुत दिनों बाद दर्शन हरी तुम्हारे यार। कोरोना कर्फ्यू चल रहा, भो बटी और लाग जाल वाले यार। पट्ट बंद शुभल हो गए, चाह पांड ले। यहाँ नहीं है वैसे, नैनीताल रामनगर लालकुआ ये थे हल्द्वानी ना, लेकिन नैनीताल के डीएम ने का आदेश है ना, तो संभावना है कि यहाँ भी कुछ असर पड़े, कुछ करवाए। लेकिन यहाँ का नाम नहीं था अखबार में, मैंने ही पढ़ा था ना। तो यह भाग कोरोना भाग, गो कोरोना गो। अरे खतड़वा जो हुची ना, हम भड़िया देते अभी देखते हैं उसका खतड़वा जो होता ना ऐसा ठहरा। अरे और आफत करे यार, अब बेशर्म का तो छू यार, लौट लौट में रह जानो यार। हैं शरम लाज लेन है यार, एक है। अरे भजन भजन थैंक यू। ओए बे, चलो आगे दिखाते हैं। तो ये है हमारे भास्कर भैया। हेलो गाइस कर। तो भास्कर ने भी एक चैनल बना रखा अपने कुत्ते का, उस पर तुम ये नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा भास्कर है कौन सा इसका कुत्ता है, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे घर में आंटी आई हैं। आंटी आज कई दिनों बाद आई हैं, आंटी ब्याह में गई थी, और ताई आई हैं हमारे घर में, ये बगल वाली ताई हैं है? और ये कोई आता है, करते ना। और आंटी आपका शादी विवाह कैसा? मत पूछो, बिल्कुल बेहोशी हो गई थी। हैं क्यों, क्या हुआ? अरे शादी का ज्यादा मार पीट दिया करते हैं, उल्टी करते करते उल्टी कोमाट। अरे ये क्यों चिल्ला रहे हैं साहब? हाँ अल्मोड़ा गई थी ना, गंदी बात करोगे, दवाई वाई भी नहीं ले पाई। हाँ तो इसलिए बाबरे मत पूछो क्या क्या हुआ। हाँ। एक तो लॉकडाउन ऐसा चल रहा है। मम्मी बोल रही कि आज बेलजी को मारने के लिए तैयार हूँ। हेलो कर, पहले बेलजी नहीं मारूंगी, अगर बेलजी ने हेलो कर दिया तो। हेलो गाइस, मैं मारूंगी। हेलो गाइस, कैसे हो बेलजी? नो। और बेलजी मेरे से इतना वो कैसे दिन बाद आ रहा करके। हाँ, बेलजी को सोच रहा था, बेलजी को पता लग रहा है ऐसे मिल रहा था। अच्छा बेलजी, ऐसा करा तूने? हाँ बेलजी बहुत अच्छा है, कितना मासूम सा बच्चा, देखो ये क्यों सा बच्चा। नहीं से आवाज सुन ली मेरी, मैंने कहा घर पर होगा तो अपना आ गया सीधे यहाँ, बिल्कुल लपासी गया बिल्कुल। और ताई जी तुम्हारा क्या कारोबार चल रहा है? ठीक हो रहे हो? अच्छा काम धंधा कैसा चल रहा है ताई जी? काम धंधा कैसे चल रहा है? ताई जी की घुमाई चली। अरे अरे बेलजी भैया क्या हुआ? ओ बाप रे बेलजी, हेलो करो, हेलो हेलो, बैठ के ले, बैठ के करता है वो। नो बेलजी, दर्द हो रहा मुझे, दर्द हो
दर्द हो गया, दर्द कर दिया बैल जी ने, मेरे को काट दिया बैल जी ने, बैल जी ने मुझे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी मम्मी की सुपर डुपर प्रो वाली ओवर एक्टिंग, बैल जी ने मुझे काट दिया, ये प्रो वाली ओवर एक्टिंग चल रही है। दादा जी क्यों काटा मुझे, मुझे दर्द नहीं होता, नहीं। हेलो करो भी, चलो हेलो कर गाइस, हेलो गाइस कर दो, गाइस कहते नहीं काटे, बैल जी को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बैल जी को आ रहा प्यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं चाटना चाहिए उनको, जाओ बाहर खेलो जाओ, अब तुमसे बहुत लाल हो रहा है। और बाप रे, अब तो कल से लॉकडाउन ही लग गया है। हां कल से लॉकडाउन लग गया है, तो हल्द्वानी रामनगर और लाल सब जगह लॉकडाउन लग गया, सब डबल डबल किराया ले रहे हैं, लूट मचा रखी। लॉकडाउन क्या होता है, लॉकडाउन लगता है मतलब गरीबों की आफत, नॉर्मल बंदों की आफत, तो वैसी आफत हो जाएगी क्या करेंगे, आना जाना। अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी बिहार में या कहीं मध्य प्रदेश में, 40,000 रुपए के दो रेमडेसिविर जो भी इंजेक्शन है वो दवाई नकली वाली दे दी। ऐसे हमारा उत्तराखंड में ऐसा नहीं है घोटाला, हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा। क्यों अभी जो खबर पढ़ी थी तो वो हल्द्वानी का, अरे हाँ अभी ऑक्सीजन सिलेंडर वाली खबर आ रखी थी। लेकिन एक बात बताऊं, इस टाइम पे ना हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों को इग्नोर करना चाहिए, जो व्हाट्सएप में खबरें आती ना वो झूठ आती है आधे से ज्यादा। अरे भाई क्या है, किसी का यकीन भी कैसे कर ले। तो यार जब तक ऑथेंटिक कोई न्यूज चैनल से ना आए ना तब तक सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए, ऐसे जो खबरें आती है ना वो अधिकतर झूठ आता है व्हाट्सएप में मोबाइल में ना। कोरोना के स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, पहाड़ में अपने घर के ढेली के दो कदम आगे जाके खोदो कोयला निकलना, अफवाह, अरे अफवाह अफवाह होती है, होती। अभी जो न्यूज उसमें दे रहे ना, क्या नाम है ये जो क्या है, नाम भूल गई, अभी कई सारी वीडियो ऐसी दिखा बताता हूँ मैं तुमको। एक ऐसी वीडियो थी जिसपे एक औरत मतलब गाड़ी में ऑटो में उसके मुंह में पन्नी लगा रखी, कुछ ऐसी ऐसी वीडियो आ रही थी। एक थी कि सड़क के बाहर सिलेंडर लगा रखा, मतलब ये सारी फोटो बहुत पुरानी है जो अब लॉकडाउन के टाइम पे सरकार के बदनाम करने के लिए राजनीतिक के कारण। हाँ कौन सी फोटो कहाँ इनको घुमानी है ना, ये करते हैं खेल ये लोग। चाहिए उनको सिचुएशन अभी लगी ऑक्सीजन वाला, अभी ट्रेंड कर रहा करके मुद्दा, उन्होंने वो जो ऑक्सीजन से रिलेटेड जितनी पुरानी वीडियो थी फोटो थी सब सर्कुलेट करने लग गए, इसीलिए दहशत भी तो ये व्हाट्सएप वाले। हाँ मैं मम्मी को ही मना करता हूँ, मम्मी कहती है ना ऐसा हो रहा वैसा, मैं कहता हूँ जब तक टीवी में नहीं आएगा कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं मानता ही नहीं हूँ। अगर हमें डर ये कोरोना का भी उसी हिसाब से, हाँ। तो आधे लोग हो जा रहे हैं, हाँ। बीमार हो रहे हैं, फिर उनको हो जा रहा हमें कोरोना हो जाए। अरे 3600 तो डॉक्टर पैदा हो चुके हैं व्हाट्सएप में, कोई कह रहा अलाना करो, कोई कह रहा फलाना करो, इतने डॉक्टर पैदा हो गए कुकुरमुत्तों की तरह ना व्हाट्सएप वाले डॉक्टर, जिसको जो चीज सही लग रहा है व्हाट्सएप में वीडियो बना बना के डाल दे रहा, बस ये फलाने ने ये कर रखा, फलाने ने ये कर रखा। अपनी केयर जितनी हो सकती कर लो भाई, इस बार तो बहुत ही गंदा आ रखा है, दूसरा है ना पहले वाले उतना दूसरे वाला और खतरनाक हो रहा है ना। ना अब तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन हो ही जाएगा ना, भगवान की बोलने से खत्म हो जा रहे हैं। नहीं नहीं वो कोई और का, ये 6 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना जो, उसमें अभी भी इसमें आया था एक तो एंटी लग, नहीं नहीं तो 6 हफ्ते नहीं हुए होंगे ना, एंटीबॉडी बनने में 6 हफ्ते लगता है इंजेक्शन के बाद भी। तो चलो दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो अभी शाम के बजे हैं 8 और अमा बैठी है हमारी। हेलो हेलो अमा, कैसी हो रही है अमा? ठीक हूँ। हेलो गाइड कर अमा, गाइड नहीं गाइस, अमा आप गाइड ही, अमा को गाइड ही अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, ये आज अमा की आवाज सुनने हो रही क्या बात, अमा को बुखार आ रहा मम्मी आज, हाथ गर्म लग रहे हैं अमा के, दवाई दे देंगे पैरस, वो है ना मैं लेकर आई हूँ जिसमें मिक्स है तीनों। अमा तुझे भी आ रहा है बुखार आ रहा ना, दवाई वो काढ़ा बना देंगे। हाँ, दवाई लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है प्रिया और ये किससे बात कर रही है? मैं यीशु से बात कर रही हूँ। यीशु कौन? यीशु ये बुआ की बेटी। अच्छा तो ये देख सकते हैं इसको। हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तेरी, मेरे कानों में लगा हुआ है। और ये है हमारी मम्मी। मम्मी क्या बना रही? चलो मैं, मम्मी क्या बना रही? मम्मी कोफ्ते, गाय के कोफ्ते, आलू के कोफ्ते, मतलब मलाई कोफ्ते बनने वाले हैं आज हमारे घर में फिर से। और ये बेला बेला, भैया भैया भैया, भाई साहब, हेलो भाई साहब, भाई साहब बात तो कर लो थोड़ी सी। मम्मा के पीछे क्या है?
हेलो, अरे मुझसे भी तो बात कर ली। अरे भाई साहब, भाई साहब आओ ना, आओ 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 ना, ए बाबू ए बाबू ए बाबू आओ ना इधर आओ, आओ तो आओ तो। अरे भाई साहब आ जाओ मेरे साथ भी खेल लो थोड़ा, इतने क्यों नखरे करते हो यार तुम। हेलो, तो दोस्तों अमा को हल्का हल्का बुखार लग रहा है, तो अमा को अभी दवाई खिलाएंगे, है अमा? हाँ। अमा दवाई खाएगी और उसके बाद फिर चंखी हो जाएगी अमा। तो चलो दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको, बाय बाय।